नोटिफिकेशन मिली क्या? सोच कर आए हो कि मसाला मिलेगा? तो टेंशन मत लो, मसाला तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, डिफरेंस बिटवीन अ जिगोलो एंड बुल। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को सिर्फ मसाला मत समझना। जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो उन्हें भली भांति चीजों का पता होगा कि मेरी वीडियो में सभी चीजें होती हैं। चाहे तो आप इसे मसाला समझ लो, चाहे इंफॉर्मेशन समझ लो, चाहे चेतावनी समझ लो, चाहे कोई सबक समझ लो। तो मेरी कोई भी वीडियो हो, उसे सिर्फ मसाला समझने की भूल कभी मत करना। मैं आप लोगों को सिर्फ मसाला देने नहीं आती हूँ, मैं आपको दुनिया में क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आती हूँ। और इस इंफॉर्मेशन की जो मैंने कड़ी लगा रखी है, जो सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन जिगोलो एंड बुल। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। जिगोलो और बुल में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। काम दोनों एक जैसा करते हैं, लेकिन काम करने के तरीके और क्लाइंट सिलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिगोलो जो होता है वो बाजार में खड़ा होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट डिस्क्लोज करके रखता है कि हाँ भाई, मैं हूं जिगोलो, हायर करोगे? वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है कि पैसा दो सेवा लो, और अगर एक्स्ट्रा कोई डिमांड है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। वही जो बुल होता है वो सफेद पोश होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी डिस्क्लोज नहीं होने देता, वो हमेशा ढका ढकाया छुपा छुपाया रहता है। वो अगर वकील है तो वकील रहता है, पुलिस वाला है तो पुलिस वाला रहता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर रहता है, कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल रहता है। वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी कीमत में डिस्क्लोज नहीं होने देता। बुल जो होता है वो हमेशा हस्बैंड वाइफ के साथ परफॉर्म करने वाली चीज होती है, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है। ये उसी के पास जाएगा जिसे हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए हायर करेगा। वही जिगोलो जिगोलो वो हमेशा फीमेल ही हायर करेगी, कि वो हमेशा फीमेल के साथ ही चीजें परफॉर्म करेगा। उसका कोई कप्पल वप्पल इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, उसे हमेशा फीमेल ही हायर करेगी। जिगोलो के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि वो जो काम कर रहा होता है वो पैसे के लिए कर रहा होता है। उसका टारगेट जो होता है वो पैसा कमाना होता है। अगर उसके जो क्लाइंट है वो देखने में इतनी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट लूली लंगड़ी पागल साइको टाइप है, लेकिन अगर उसे वो पैसे अच्छे दे रही है, वो जाएगा। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सामने वाली है वो कैसी है कैसी नहीं, वो जाएगा। लेकिन वही जो बुल होता है उसके पास ऑप्शन होता है। जब वो कपल मीट करता है फर्स्ट टाइम, और उसे कपल अगर समझ में नहीं आते तो वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। चाहे फिर पेड कपल ही क्यों ना हो, अगर उसका मन नहीं है, उसे कपल समझ नहीं आए, तो वो नहीं जाएगा। ये मैं उस बुल की बात कर रही हूँ जो प्रोफेशनल होते हैं, ठरकी बुल की बात नहीं कर रही हूँ। जो प्रोफेशनल बुल होते हैं, उनका तरीका क्या होता है कि भाई तुम जितने मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आए तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करूंगा। इस तरह के जो प्रोफेशनल बुल होते हैं, उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, आप उनको आगे चारा डाल के रिझा नहीं सकते। लेकिन लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे भी बुल होते हैं जो कि अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं कि हाँ, आई एम बुल, वो खुद से अप्रोच करते हैं कपल्स को, और कपल भी कहता है अच्छा तुम बुल हो, तो भाई ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे, उल्टा 2,000 रुपए देकर जाने पड़ेंगे। और उसमें भी वो कहते हैं यस आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, कब आना है बताओ, और वो पैसे देकर आते हैं पैसे लेकर आने की बजाय। जिगोलो जो होता है वो ये काम पैसों के लिए कर रहा होता है, तो वो अपने काम की कीमत लेता है। वहीं जो बुल होते हैं, बुल में जो प्रोफेशनल बुल होते हैं, वो 1% ही होते हैं जो अपनी काम की कीमत लेते हैं। अदरवाइज 99% जो बुल होते हैं वो फ्री सेवा देते हैं या फिर पैसे देकर सेवा लेते हैं। जिगोलो जो होता है वो बाइसेक्सुअल नहीं होता, लेकिन बुल का बाइसेक्सुअल होना ये समझ लो कि इसके रिक्वायरमेंट में आता है, क्योंकि ये जो कपल्ड हस्बैंड होता है कहीं ना कहीं बुल के मैनहुड को भोगना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी वाइफ की आड़ में सारा गेम खेलता है। लेकिन जिगोलो के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उसे कोई फीमेल ही हायर करती है। बुल का जो काम होता है वो दो लोगों को हैप्पी करने का होता है, उसे हस्बैंड को भी हैप्पी करना होता है, उसकी वाइफ को भी खुश करना होता है। लेकिन जो जिगोलो होता है उस एक को ही हैप्पी करना होता है, उसके क्लाइंट को, उसकी जो क्लाइंट होती है वो फीमेल ही होती है। बुल जो उन कपल की फैंटेसी को पूरा करने जाता है, वो थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे चीजें होती हैं। वहीं जो जिगोलो होता है वो आउट ऑफ ट्रेंड चीजें कर भी सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो एक मर्द और औरत के बीच में सालों से चीजें चली आ रही हैं, उन्हीं चीजों को परफॉर्म करने के लिए वो जाता है। 50% केसेस में ऐसा होता है कि उसकी क्लाइंट जो है वो कुछ डिफरेंट माइंडसेट की निकल गई, लाइक अगर वो बीडीएसएम लवर हुई तो वो उसे डोमिनेट कर भी सकती है और खुद को डोमिनेट भी करा सकती है। अगर वो खुद सबमिसिव बनना चाहती है तो वो सबमिसिव बन सकती है, अगर वो उसको सबमिसिव बनाना चाहती है तो उसे सबमिसिव बना सकती है। वो टोटली उसके माइंडसेट के ऊपर है कि उसकी जो क्लाइंट है वो उसे कैसे मिली है। बुल जो होता है वो हमेशा एक इमोशनल बॉन्डिंग की ओर बढ़ता है, वो हमेशा एक अटैचमेंट चाहता है, वो हमेशा एक हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करता है, वो अपने आप को अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता है, वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग डेवलप करने की कोशिश करता है। जिगोलो जो होता है उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सारी चीजें कर रहा होता है वो पैसे के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसका एक ही उसूल होता है, पैसा दो सेवा लो।
और इसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। लेकिन भाई जो बुल होता है वो खुद कमाता है, खुद खाता है, उसका अर्निंग सोर्स जो होता है वो ये नहीं होता। क्योंकि जो बुल होता है वो सफेद पोश होता है, वो वकील भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है। क्योंकि इसका जो इनकम सोर्स होता है, जो उसका घर चल रहा होता है, वो इन चीजों पर नहीं चल रहा होता। इसलिए वो हमेशा कपल से एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है। जिगोलो जो होता है वो काम करता है, पैसा कमाता है और खाना खाता है। इसलिए वो किसी भी अपनी क्लाइंट के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड कायम नहीं करता, किसी भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता नहीं है कि पता लग रहा है भैया सेवाएं फ्री में देनी पड़ जाएंगी। बुल के साथ लोग रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, जिगोलो के साथ जल्दी से कोई रिलेशन डेवलप करता नहीं है। जिगोलो का सिर्फ और सिर्फ निचोड़ा जाता है पैसे देकर। लेकिन जो बुल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशन मेंटेन करता है कपल के साथ, उसको हस्बैंड वाइफ की सारी कहानियां पता होती है, वो उनका राजदार बन चुका होता है, तो उसे निचोड़ने की कोई भूल नहीं करता। तो वहां पे जितने भी एक्ट होते हैं, जो भी चीजें होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की जाती है। वहीं जो जिगोलो होता है, उसे पैसे के बल पे पूरा निचोड़ा जाता है, उसकी कीमत लगी होती है। तो जो उसकी फीमेल क्लाइंट है, अगर वो रात भर उसके साथ खेलना चाहती है तो उसे खेलना पड़ेगा और वो खेलेगा, उसके पास ना का कोई ऑप्शन नहीं होता। दोनों ही, चाहे वो क्लाइंट हो या फिर जिगोलो, दोनों के बीच में कोई इमोशन नाम की चीज नहीं होती, वहां पे सिर्फ प्रोफेशनलिज्म होता है। काम तो देखो दोनों जगह हो रहे हैं, वहां जिगोलो भी कर रहा है, इधर पुल भी कर रहा है, और दोनों का पर्पस सेम है, सैटिस्फाइड करना सामने वाले को। फर्क क्या है, लेकिन फर्क क्या है कि मान लो अगर बुल ने थोड़ा सा हार्ड एक्ट कर दिया और वहां पे जो उसकी वाइफ है चिल्ला पड़ी, तो जो कपल है, जो उसका हस्बैंड है, वो उसे गाली नहीं देगा पलट के, वो बोलेगा भाई धीरे, मेरी बीवी है। जिगोलो को कोई जानता नहीं, और जो जिगोलो होता है वो कुछ चंद घंटों का दोस्त होता है, तो वो जिंदगी में कभी ब्लैकमेल जैसे वाली चीज उसके साथ नहीं होती। वो कभी भी किसी अपनी फीमेल कस्टमर को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, यहाँ पर ये चांसेस कम होते हैं। लेकिन वही जो बुल होता है, वो क्योंकि कपल के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उनका राजदार हो चुका होता है, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर चुका होता है, एक बॉन्ड बना चुका होता है, उसका गेट टुगेदर रहता है, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में जो ब्लैकमेलिंग की चीजें होती हैं उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिगोलो की अपने क्लाइंट के प्रति ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती। अगर उसकी जो कस्टमर है वो जिगोलो को हायर करना चाहती है 2 से 3 दिन के लिए और कहीं बाहर जाना चाहती है, तो जिगोलो का सारा एक्सपेंसेस उसकी जो क्लाइंट है वो ही उठाएगी, जिगोलो एक रुपया नहीं खर्च करने वाला। जो बुल होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर चुका होता है कपल के साथ, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज भी होती है कि हाँ सामने वाले ने अपनी वाइफ मुझे सौंपी हुई है, तो कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है। फर्ज समझ के वो चीजें कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपेंसेस उठाता है, कई बार तो पूरा पूरा जो ट्रिप का एक्सपेंसेस होता है वो वही उठा लेता है। तो डियर, ये थी मेरी साइड से इन्फॉर्मेशन कि क्या डिफरेंस होता है जिगोलो और बुल के बीच में। जहां तक मुझे लगता है कि जिगोलो को तो काफी हद तक लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन बुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और हो सकता है कि अगर कोई न्यू व्यूअर है, कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसे ये बुल चीज इस वीडियो में ना क्लियर हुई हो, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंसेस ही बता रही हूँ, बुल को एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर आपको बुल को अच्छे से समझना है कि बुल एक्चुअल में होता क्या है, तो मेरी एक वीडियो है बुल से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में कुछ लाइफस्टाइल की भी बात करी है। अगर कोई लाइफस्टाइल को नहीं समझ पा रहा है कि लाइफस्टाइल क्या होता है और कन्फ्यूजन हो रही है, तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी मेरी वीडियोज हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जिगोलो और बुल में डिफरेंस क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।